हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी दही भल्ला चाट। बनने में बहुत ही कम समय लगता है और खाने में लाजवाब। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ला चाट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उड़द धुली की दाल ली है। एक कटोरी मैंने दाल ली है और इसे मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और करीबन 3 कटोरी पानी डाल के मैंने इसे ओवरनाइट भिगो दिया है। दाल हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। आप चाहें तो 7-8 घंटे दिन में भी पानी में भिगो सकते हो। उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करें तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। तो चलिए इसका पानी निकालते हुए, यानी कि आप छलनी में डाल के इसका पानी निकाल लीजिए और उसके बाद मिक्सी में हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। पीसते वक्त आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस 2 या 3 चम्मच पानी आपने डालना है। सारे पानी को अच्छे से छान लेना है। तो पीसते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें दाना नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ सी पेस्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दाल को पीसा है और ऐसी दिखनी चाहिए। और इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बड़े बाउल में दाल ली हुई है जिसे मैंने पीस लिया था अच्छे से। और इसे राउंड घुमाते हुए हाथों से हमने अच्छे से मैश करना है। करीबन 7 मिनट तक हमने मैश करना है। तब तक मैश करना है जब तक कि दाल जो है फूल के डबल ना हो जाए। और मैश करते वक्त आपने टाइम को खास तौर पे ध्यान रखना है। पूरे 7 या 8 मिनट तक आपने अच्छे से तेज तेज घुमाते हुए इसे मैश करना है। तो आप देख सकते हो कि दाल जो है हमारी फूल के डबल हो चुकी है। और अगर आपने इसे चेक करना है कि दाल हमारी अच्छे से मैश करते हुए फूल चुकी है, यानी डबल हो चुकी है और तैयार है, इसके लिए हमें एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। इसमें आप दाल डाल के देखें तो दाल जो है ऊपर तैरने लग जाएगी। तो इसका मतलब हमारी दाल जो है पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है। इसमें अब हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंची टुकड़ा अदरक जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन मसालों को थोड़ी देर पहले भी, मैश करने से पहले भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे बाद में ऐड किया है तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कभी भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, दाल बनके तैयार है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और गैस जो है मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर रखी है। लेकिन इससे पहले आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम को कम करना है। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को लो पे कर दिया था। और अब हम थोड़ी थोड़ी दाल लेके इसके वड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, मैंने वड़े इसमें थोड़े थोड़े दाल लेके बना लिए हैं और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। जैसे ही नीचे का हिस्सा हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसे हम धीरे धीरे इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हो कलर जो है नीचे का काफी हल्का हल्का लाइट सा हो गया है, यानी कि लाइट ब्राउन सा दिखने लग गया, और इसे हम एक एक करके पलट देंगे। और वड़े जो है हमारे फूल के काफी बड़े भी हो गए हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हो, आप चाहे तो छलनी से भी कर सकते हो।
तो दोनों तरफ से हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, वड़े जो है हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर पेपर नैपकिन रखा है और इन्हें हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स बड़े हमने निकाल लिए हैं और यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन में ठंडा पानी और इन बड़ों को हम इस पानी में डाल देंगे जिससे कि ये काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसे थोड़ी देर भिगो के रखेंगे और उसके बाद ये बड़े जो हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और यम्मी हो जाते हैं। इसको हम एक दो बार चम्मच से पलट भी देंगे। तो इससे भीगे हुए करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसे हाथों से हल्का हल्का इसका पानी निकाल के हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो वड़ों को हमने पानी में से निकाल के हल्का सा निचोड़ के इस प्लेट में डाल लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। आप चाहें तो इन वड़ों को पानी की बजाय दही में भी अच्छे से भिगो के रख सकते हो, तब भी ये वड़े उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऊपर दही डाल दिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं सफेद नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी। अगर आप हरी चटनी नहीं भी डालना चाहते तो आप इसी तरीके से भी खा सकते हो खाली दही के साथ, लेकिन हरी चटनी और मीठी चटनी डालने से भल्लों का स्वाद और भी बढ़िया आता है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे मीठी चटनी यानी इमली की मीठी चटनी। और उसके ऊपर हम डाल देंगे एक बार फिर से भुना हुआ जीरा, इसका पाउडर जो मैंने बना रखा है। मैंने घर पे ही इसे हल्का हल्का रोस्ट करके भुना हुआ जीरा पाउडर बनाया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स दही भल्ला चाट बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार चाट बनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर चुकंदर के बारीक बारीक टुकड़े भी करके काट के इसके ऊपर डाल सकते हो और अनार के दाने भी डाल सकते हो। तो खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, दिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स मजेदार दही भल्ला चाट बनके तैयार है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और